हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंथली करंट अफेयर सीरीज ऑन परचम। मेरा नाम है ऋचा और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्च 2022 के मंथली करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज़, बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़। जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है या जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, आज के वीडियो में उसे कवर करेंगे। सभी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कंपाइलेशन किया गया है और इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंदर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप बाद में देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। ओके, स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को नेशनल न्यूज़ सेक्शन के साथ में। आप पूछते हैं मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इंडिविजुअल पीडीएफ जो पूरी मंथली करंट अफेयर्स है उसका एक सिंगल इंडिविजुअल पीडीएफ कंसोलिडेटेड पीडीएफ के नाम से parchamclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ बैंक बाय करना है तो उसके लिए आपको परचम ऐप पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है जी, स्टार्ट करें नेशनल न्यूज के साथ में। सबसे पहली खबर आपके स्क्रीन पे आ रही है, राष्ट्रपति कोविंद इनॉग्रेट्स आरोग्य वनम एट राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति भवन के अंदर आरोग्य वनम इनॉग्रेट किया गया है। सवाल सीधा सीधा आ सकता है कि आरोग्य वनम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, राष्ट्रपति भवन में हुआ है, प्रेसिडेंट कोविंद जी ने किया है। और इसके अंदर 6.6 एकड़ ऑफ जो लैंड है वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि आरोग्य मिल सके, अच्छी हेल्थ मिल सके। तुलसी, नीम, अरंड, अश्वगंधा, अर्जुन, हरसिंगार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोटी सी न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। चलिए अगली खबर है, इंद्रायणी मेडिसिटी इंपॉर्टेंट है, प्लान टू बी सेटअप एज कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी इन विच सिटी, यानी कि कौन से शहर के अंदर इंडिया की पहली मेडिकल सिटी स्टैब्लिश होने जा रही है जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी। और आंसर इज पुणे। पुणे महाराष्ट्र के अंदर इंद्रायणी मेडिसिटी आने वाली है। हाईटेक फैसिलिटीज होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, हेल्थ सेंटर्स होंगे, सभी बीमारियों का इलाज यहाँ पे हो पाएगा। 10,000 करोड़ की लागत से ये बन रही है, 300 एकड़ जमीन पे, खेड़ तालुका इन पुणे के अंदर। एंड लाइक आई एम टेलिंग यू कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल रिसर्च, हॉस्पिटल सेंटर्स, फिजियोथेरेपी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिटी होगी पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें कि सभी तरह के ट्रीटमेंट एक ही जगह पे मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज रिलेटेड टू एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेज अ कैंपेन कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, जिसे कि आप इस नाम से भी देख सकते हैं, बैक टू स्कूल कैंपेन या कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव इन पार्टनरशिप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन दोनों ने मिलकर के एक कैंपेन या प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में ये स्टार्ट किया गया है? आंसर इज यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ के साथ में ये कार्यक्रम या कैंपेन स्टार्ट किया गया। और जितनी भी एडोलेसेंट एज की जो ग्रुप गर्ल्स होती हैं, 11 से 14 साल की जो गर्ल्स होती हैं स्कूल में, जिन्होंने किसी भी रीजन से स्कूल छोड़ दिया, उनको स्कूल वापस कंटिन्यू करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्कीम स्टार्ट या कैंपेन स्टार्ट किया गया है। और ये कौन से अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंडर में आती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर में, ताकि इनको वापस स्कूल में लाया जा सके, फॉर्मल एजुकेशन में शामिल किया जा सके। यहाँ पे आपको यूनिसेफ से रिलेटेड कुछ ट्रिविया दिख रही है, यानी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही है जिसको आप नोट करेंगे। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज रिसेंटली ओपन्ड इट्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन इंडिया इन हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डेटा सेंटर इंडिया में हैदराबाद के अंदर स्टार्ट किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी हैज ऑलरेडी हाउ मेनी डेटा सेंटर्स, इसके अलावा, हैदराबाद के अलावा और कहां कहां पे या कितने डेटा सेंटर्स माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया में हैं? आंसर इज 3। पहले से 3 डेटा सेंटर्स थे जहां पे सारा डेटा वगैरह एक जगह पे रहता है। और कौन सी जगहों पे थे? पुणे, मुंबई एंड चेन्नई। और अब चौथा कहां स्टैब्लिश किया गया है? हैदराबाद में, विच इज़ दी लार्जेस्ट डेटा सेंटर। 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया है एक अग्रीमेंट विद तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट, 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। ओके, सो मूविंग ओवर टू अनदर पीस ऑफ न्यूज विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड। ओके, बिवेयर इज अ बुकलेट फीचरिंग मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, यानी कि एक बुकलेट है बिवेयर नाम से, जो कि तरीके बताते हैं किस किस तरह से लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, पैसों से रिलेटेड धोखाधड़ी कर सकते हैं।
द बुकलेट हैज बीन रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, आम जनता के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गए हैं, तो जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मनी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो किस किस तरह से फ्रॉड्स हो सकते हैं वो सब आपको बताया गया है, ताकि आप अवेयर हो जाएं और ध्यान रख सकें. एंड दिस इज सम ऑफ द ट्रिविया रिलेटेड टू RBI. Now this can be a very important and a useful step by RBI because India के अंदर financial awareness बहुत lacking है. ना हमें school में, ना college में, ना ही higher level of education में properly सिखाया जाता है कि कैसे हम खुद का money manage करें, कहाँ invest करें, कहाँ save करें, कितना करें, कितना नहीं, जबकि ये बहुत important life skill है और सबको आनी चाहिए. Well, I have come across this very useful book, बहुत insightful book है. Why didn't they teach me this in school? ये मुझे स्कूल में क्यों नहीं सिखाया गया जहाँ सारे सब्जेक्ट सिखाए गए. दिस इज अ बुक बाय कैरी सीगल और इसमें उन्होंने बहुत बहुत ईजी और बहुत इंसाइटफुल तरीके से सिखाया है कि किस तरह से आप अपना मनी मैनेज कर सकते हैं, भले से वो फर्स्ट सैलरी हो, चाहे आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हों, सेविंग्स हों, एक्सेट्रा. एंड यू कैन गो थ्रू द बुक समरी ऑफ दिस बुक ऑन Kuku FM. Kuku FM इंडिया का एक बहुत लीडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियो बुक्स और बुक समरीज अवेलेबल है. 3000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स एंड समरीज आ देर अलग अलग लैंग्वेजेस में. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी दीज ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज आर अवेलेबल. एंड इसकी 4.5 प्लस की रेटिंग है विच इज़ कमेंडेबल. जो इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी वैसे तो लो प्राइस पे 399 फॉर द एंटायर ईयर का एनुअल सब्सक्रिप्शन है, बट इफ़ यू यूज़ द कोड PA50 परचम से रिलेटेड PA50 तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा. 199 में आप पूरे साल के लिए जितनी भी ऑडियो बुक्स और बुक समरीज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं. सो व्हेनेवर यू आर टायर्ड ऑफ स्टडिंग और कुछ नया सीखना जानना चाहते हैं, टेक अ वॉक ब्रेक विद Kuku FM. ओके, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गुरुग्राम. इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर खुलने जा रहा है. कहाँ ओपन होने वाला है? गुरुग्राम के अंदर होने वाला है. और इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस्टैब्लिश करवा रही है? तो अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि इस्टैब्लिश किया था एम्बेसडर ऑफ पीस जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी ने, राइट. और ये ही इंडिया के अंदर पहला वर्ल्ड पीस सेंटर खोलने जा रहे हैं गुरुग्राम हरियाणा के अंदर. और ये क्या काम करेगा? पीस को प्रमोट करने के लिए है, शांति आए लोगों के अंदर. सो पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड बढ़ेगा, ये मैसेज भी जाएगा और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लोग. और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके लिए लैंड दिया है मेदांता हॉस्पिटल जो है उसके पास में दिल्ली जयपुर हाईवे पे. ऑलराइट, मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट न्यूज. Government of India is setting up museum of all former prime ministers to showcase their life, times and contributions. How many prime ministers are there in India till date? यानी कि भारत सरकार पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन समय और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय खोलने जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रधानमंत्री आज तक रहे हैं, है ना. इंडिविजुअल्स की बात करें तो देर आर 14 प्राइम मिनिस्टर्स टिल डेट जिन्होंने ऑफिस संभाला है, राइट. अभी कौन से 14 प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो तो देखते हैं, स्टैटिक का क्वेश्चन है लेकिन करंट में से निकल के बना. और मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स दो तरह से इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सीधा सीधा सीए में से क्वेश्चन आ जाता है और एक करंट में से स्टैटिक से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए हम एडिशनल ट्रिविया वगैरह आपको देते चलते हैं. ओके, चलिए लौट आते हैं यहाँ पे. सो म्यूजियम की बात करते हैं. ये जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम या प्रधानमंत्री संग्रहालय खुलने जा रहा है, ये 3 मूर्ति एस्टेट दिल्ली के अंदर ओपन होगा और इसका इनॉग्रेशन 14 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है. डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है ये, ठीक है. 270 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है. अच्छा, इसमें सभी प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक जो रहे हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइफ और टाइम के बारे में बताया जाएगा, एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू जी. क्यों? क्योंकि उनका सेपरेट एक म्यूजियम है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, जो उनका रेसिडेंस भी हुआ करता था, तो उनके बारे में सब कुछ वहाँ पे डिस्प्लेड है ऑलरेडी और इसलिए यहाँ पे उनके बारे में नहीं बताया जाएगा. और ये है वो 14 प्राइम मिनिस्टर्स. यहाँ पे गौर करने वाली बात, देखो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाएगा इस लिस्ट के अंदर. मुरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी. तो ये 14 लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला है. चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं. कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन. यानी कि अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट की ओर से, जिसको कि हेड किया था नरेंद्र मोदी जी ने. और किस चीज़ को अप्रूवल मिला है? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाने का.
नाम से समझ में आ रहा होगा कि लैंड को मोनेटाइज करने के लिए, तो जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस हैं, उनको मोनेटाइज करने के लिए यानी उनसे पैसा बनाने की अब और कार्यवाही को अप्रूवल मिल चुका है। जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट की होली ओन्ड कंपनी होने वाली है, पूरी तरह से सरकार की होने वाली है, और उसका इनिशियली ऑथराइज शेयर कैपिटल 5,000 करोड़ है और पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ होगा। ना जितनी भी सरप्लस लैंड और बिल्डिंग एसेट्स हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, CPSEs की और बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज की, उनको मोनेटाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है। लेकिन उसमें नॉन कोर एसेट्स होंगे जो कि कोर एरियाज में काम नहीं आ रहे, नॉन कोर हैं, सरप्लस है, उनका मोनेटाइजेशन होगा। तो जो सरप्लस लैंड है उससे अब गवर्नमेंट पैसा बना सकती है। गॉट द थिंग। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। द फेज टू ऑफ फेम इंडिया स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years टिल विच फिस्कल ईयर। फेम स्कीम क्या थी गवर्नमेंट की जो लॉन्च हुई थी? फेम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड थी। फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं या हाइब्रिड है, दोनों टेक्नोलॉजीज का मिक्स यूज करते हैं। सो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, इलेक्ट्रीफाई करने के लिए फेम लेकर के आया गया था, स्कीम लॉन्च की गई थी, और उसका जो फेज टू है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से फिस्कल ईयर तक ये फेम का फेज टू चलेगा? आंसर इज मार्च 2024। ये 20 से 24 तक के लिए, यानी 2019-20 से 2023-24 तक के लिए पूरा आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे ये फेज टू खत्म हो जाना था मार्च 2022 के अंदर, लेकिन इसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है और इसी से रिलेटेड ये सवाल था। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है उसके तहत ये स्कीम लॉन्च हुई थी, और इसमें जो मेन फोकस रहने वाला है, जो पहले भी रहा था वही इसमें कंटिन्यू होगा, कि पब्लिक और शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन जो है उनके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा को और इंट्रोड्यूस किया जाए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाए। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो चार्जिंग भी करनी पड़ेगी, तो उन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 और साल इसमें एड ऑन हो गए हैं। और जो आउटले किया गया है पूरे इन 5 सालों का, 19 से लेकर के 24 तक का, पूरा आउटले 10,000 करोड़ का है। पहले ये आउटले मार्च 2022 तक था, 19 से 22 तक, लेकिन 24 तक एक्सटेंशन मिलने के बावजूद भी आउटले इतना ही रखा गया, इसको बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है जी। नो प्रॉब्लम सो फार। चलिए, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि एक नेशनल लेवल का यानी राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है संभव, और कौन से केंद्रीय मंत्रालय के अंडर में आता है? तो आंसर इज MSME मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर में संभव आता है। इस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है तो कुछ ना कुछ रोजगार या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होगा, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, और वही है देखिएगा कि इसके अंदर चलो शुरू से बताते हैं, कोई बात नहीं। MSME आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट कर रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन हर जगह अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग तौर पे कर रही है। सो MSME ने आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट किया 28 फरवरी से 6 मार्च 2022 में, और उन्होंने फेज टू लॉन्च किया संभव प्रोग्राम का, ठीक है, जिसके अंदर 1 लाख स्टूडेंट्स, 1300 कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री विल बी मोटिवेटेड टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान करवाने के लिए बच्चों का, और इसका फेज टू लाया गया है। संभव का फेज वन जो था वो 2021 में लॉन्च हुआ था। संभव याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए, आप बिजनेस कीजिए, आपके लिए संभव है, बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिजनेस MSME मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो संभव रिलेट करके याद रखिएगा। अभी क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग नेम्स अभी आपको और मिलेंगे संभव से मिलते जुलते, जैसे कि समर्थ यानी केपेबल, संभव यानी पॉसिबल, है ना, तो इनको थोड़ा रिलेट करके रखिएगा मिनिस्ट्री से। अगला सवाल है, समर्थ इज अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर विमेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है, कई बार कॉमन सेंस लगा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है, MSME आ जाएगा, है ना। हालांकि विमेन है तो हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन वाला एंगल भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी, समर्थ इज अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर विमेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? MSME मिनिस्ट्री ने ही इसको लॉन्च किया है। और द लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME, नारायण तातू राणे जो कि मिनिस्टर हैं, और अलॉन्ग विथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MSME श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा इन नई दिल्ली, इन्होंने लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव क्या है?
फीमेल के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, मार्केट डेवलपमेंट कैसे करें, स्किल डेवलपमेंट कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। समर्थ दैट यू आर केपेबल, बस आपको सही कोचिंग की जरूरत है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से आप रिलेट कर लेंगे। और इसके तहत मोर देन 7500 वुमेन कैंडिडेट्स को रूरल और सब अर्बन एरियाज के अंदर ट्रेन किया जाएगा 2022-23 के अंडर में। ठीक है जी, तो संभव और समर्थ दोनों एमएसएमई के हो गए। चलिए अगले आते हैं हम। अब है समृद्ध, प्रॉस्परस। समृद्ध, प्रॉस्परस बोलते नहीं इसको, बोलते समृद्धि है, मैं सिर्फ आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रही हूँ ताकि रिलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, इन स्कीम्स का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहने वाला है। सो समृद्ध इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप हेल्थ से भी समृद्ध रहो, ठीक है। इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय, कौन सपोर्ट कर रहा है इस इनिशिएटिव को, आंसर इज USAID। USAID क्या है? USAID इज US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो ये जो समृद्ध इनिशिएटिव है इसमें अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और USAID तीनों अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रही है, गाइडेंस भी मिल रही है, ट्रेनिंग एक्सेट्रा भी हो रही है। समृद्ध का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। बेस्ट टू बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, सब लोगों तक पहुंच सके, इसके ऊपर काम चल रहा है। बेसिकली टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज के अंदर जो एकदम टॉप नॉट सिटीज है वहां पे तो बेटर है ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सिटीज में भी हो सके। सो अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस जो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जिन तक हेल्थ केयर पहुंचता नहीं है उनके लिए समृद्ध इनिशिएटिव है टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में एंड रूरल एंड ट्राइबल रीजन्स में। ओके, सो उन तक पहुंचे यानी कि कड़ी में कहीं भी ब्रेक नहीं हो, उनके डोर स्टेप तक ये सारे फैसिलिटीज पहुंचे, इसके लिए समृद्ध, राइट। सो नीति आयोग, देन एम अटल मिशन जो था अटल इनोवेशन मिशन और USAID, इन तीनों के मिले जुले प्रयास से ये बढ़ रहा है आगे। अगले सवाल पे बढ़ते, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया। प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? आंसर इज गूगल। गूगल ने स्टार्ट किया है, काफ़ी सारी कंट्रीज में इनकी सर्विस चल रही है, इंडिया में इन्होंने हाल ही में लॉन्च किए। इसके चलते जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स हैं वो 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस और गेम्स पे एड फ्री एक्सेस ले सकते हैं, इन ऐप परचेजेस हो सकती हैं, डायरेक्ट अपफ्रंट पेमेंट कर सकते हैं ताकि हैजल फ्री एक्सपीरियंस रहे। उसके लिए प्ले पास एक सब्सक्रिप्शन गूगल ने लॉन्च किया है इंडिया में भी अब। ओके, और ये कुछ ट्रिविया गूगल से रिलेटेड है। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट, जो भी चीज इंडियाज फर्स्ट होगी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी और स्टेट पूछा जा सकता है। सो इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक है, डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम, कौन से शहर के अंदर लॉन्च हुआ है? बैंगलोर के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनका ये बैंक है, यानी उनकी इंफॉर्मेशन का बैंक है कि कहाँ पे कितने वाटर रिसोर्सेज है, कहाँ सरप्लस है, कहाँ डेफिसिट है, सब इसके ऊपर डेटा होगा और अंडर अ प्लेटफॉर्म, राइट। बेटर वाटर मैनेजमेंट किया जा सके इसके लिए ये वाटर बैंक प्लेटफॉर्म बनाया गया है एंड इट इज फाउंड बाय एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स। और इसी के साथ साथ इस कंपनी ने एक यूनिक सोशल फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी तैयार किया है ताकि वाटर एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिल सके, वाटर पॉजिटिव बन सके इंडिया 2030 तक। नाउ वाटर सोशल यूनिक सोशल फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या है? जैसे कि किसी के पास अगर सरप्लस वाटर है ना कहीं पर, तो वो उसके एवज में टोकन्स ले सकते हैं, उन टोकन्स की वैल्यूएशन होगी और जैसे बाकी चीज़ों की वैल्यूएशन मार्केट में फ्लक्चुएट होती रहती है इन टोकन्स की भी फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा पानी बचाओ, ज़्यादा टोकन्स रहेंगे उनको आप सेल ऑफ कर सकते हो, लाइक दैट एक पूरा फ्रेंचाइजिंग मॉडल डेवलप हो रहा है। सो वील गेट टू नो मोर अबाउट इट जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट्स होंगे, न्यूज़ में आता रहेगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है, द फर्स्ट ड्रोन स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखिएगा, कई जगहों पे इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल बोला जा रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। ये जो न्यूज है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि एमपी का पहला ड्रोन स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यानी कि हाल ही में उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किस शहर में पहली बार ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? आंसर इज
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर। और अगर आपको ध्यान हो तो ग्वालियर से ही में ही पहला ड्रोन फेयर भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिनमें सारे ड्रोन बनाने वाले एंड मार्केट वाले इन सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। सो पहला ड्रोन फेयर भी ग्वालियर में हुआ था और पहला ड्रोन स्कूल एमपी का भी ग्वालियर के अंदर ओपन किया गया है। और यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी मध्य प्रदेश के एमपी शिवराज सिंह चौहान ने इनॉग्रेट किया। 5 ड्रोन स्कूल एमपी के अंदर खुलने हैं, बाकी 4 भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना के अंदर ओपन होने वाले हैं। अच्छा, एम क्या है, ड्रोन स्कूल क्या करेगा? ड्रोन स्कूल बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी को किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है उसके ऊपर कोचिंग भी प्रोवाइड करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है ड्रोन से जुड़े हुए और वेंचर्स में और बिजनेसेस में एंटर कर सके। ड्रोन से आप क्या क्या कर सकते हो उन सबकी बारे में चीज़ें बताई जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ड्रोन से जुड़ी हुई दिखाई और सिखाई जाएंगी। ये कुछ ट्रिविया है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, सो ये आप देख लीजिएगा ट्रिविया। लाइक आई सेड कि जो भी स्टेट अगर न्यूज में है तो उससे जुड़ी हुई थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और उससे पहले में भी बताया था कि ट्रिविया हम जान करके डिस्कस नहीं करते हैं। देखो मुझे कितनी जल्दी है पढ़ाने की, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारा मैटर है, वीडियो लंबी होने वाली है। सो ट्रिविया हम जान करके डिस्कस नहीं करते, बिकॉज ट्रिविया डिस्कस करने जाएंगे तो करंट अफेयर्स के वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबे हैं और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, सो वी अवॉइड इट। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट न्यूज, गुजरात से रिलेटेड खबर है। इंडियाज फर्स्ट रोड मेड फ्रॉम स्टील वेस्ट, यानी कि इंडिया को पहली एक रोड बनाई गई है इंडिया में, अभी तो पायलट बेसिस पे बनाई गई है, जिसमें कि स्टील वेस्ट को इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा सस्टेनेबल रोड बन सके। गुजरात के अंदर ये बनी है, सो उसके बारे में देख लेते हैं। बनाई है आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया ने विथ CSIR इंडिया, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड दी CRRI दैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, इन चारों ने मिलकर के इस रोड को बनाया है। अभी एक्सपेरिमेंटेड प्रोजेक्ट है, 1 किलोमीटर की 6 लेन की ये रोड बनी है और इसको यूज में लेकर के देखा जाएगा कितनी ड्यूरेबल हो रही है नहीं हो रही है। और इसकी जो थिकनेस है रोड की वो भी नॉर्मल से काफ़ी कम रखी गई है, 30% तक रिड्यूस की गई है, अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बाद में देखते हैं। सो सबसे पहली स्टील वेस्ट से बनी हुई रोड इंडिया में कहाँ बनी है? गुजरात के अंदर बनी है, ध्यान रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर राजकुमार सिंह हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, वर्चुअल SGKC स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क इन विच स्टेट। सीधा सीधा सवाल है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किस राज्य में भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क लॉन्च किया है। अब ये होता क्या है पहले तो ये समझो, और कहाँ लॉन्च हुआ है? हरियाणा के अंदर लॉन्च हुआ है, ठीक है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, स्मार्ट ग्रिड क्या होती है? जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं जिनसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क्स होते हैं और उसी के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम और ये जो पूरा नेटवर्क होता है इसको कहा जाता है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड, पूरा नेटवर्क और इसका नॉलेज सिस्टम, कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो, ट्रांसफर हो, शेयर की जा सके, इन सबसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, ठीक है, इतना समझ लो काफ़ी है। तो हरियाणा के अंदर ये सेटअप किया गया है। सेंटर इज लोकेटेड विद इन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है उसी के प्रिमाइस में, उसी के अंदर ये खोला गया है मानेसर हरियाणा में। और टेक्निकल असिस्टेंस जो है इसके लिए वो USAID ने ही प्रोवाइड की है एंड डेवलप किया गया है ताकि इस फील्ड के अंदर इनोवेशन किया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, रिसर्च हो सके स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज में और पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें उस रिलेटेड भी, ठीक है। तो ये हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया है। भाई हरियाणा के लोग वैसे बहुत पावरफुल होते हैं, तो चलो भाई आपको, और स्मार्ट भी होते हैं, कुछ भी करके एसोसिएट कर लो, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ आपको टेक्निक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फिर भी क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ और आप लोग बोल रहे हैं कि मैम टेक्निक्स मत छोड़िए, थोड़ी थोड़ी देते रहिए, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं दूंगी, डू नॉट वरी। हरियाणा स्टेट की ट्रिविया दी हुई है, थोड़ी सी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF चाहें तो PDF ले सकते हैं, अगर PDF बैंक ले रखा है जिसमें अभी तक के सारे PDF सभी सब्जेक्ट्स के और आगे आने वाले साल तक, एक पूरे साल तक आपको सभी PDF मिलते हैं उसमें, तो जैसे जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ एड ऑन होता जाएगा। और अगर आपने PDF बैंक नहीं लिया है, इंडिविजुअल मंथली CA अगर आप लेते हैं वेबसाइट से तो वो कल तक आपको अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज़ बाई द 9th of April। चलो आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड अ न्यू कैंपस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी टू द नेशन इन विच सिटी, यानी कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर, एक ऑलरेडी था है ना, एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है, गांधीनगर, गुजरात के ही अंदर गांधीनगर में एक और कैंपस बन गया है
राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स किस चीज़ में, अलग विंग्स जितने भी पुलिसिंग के विंग्स हैं उसमें, क्रिमिनल जस्टिस में या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कोरिलेशन बैठता है पुलिस वगैरह से, इन सारे एरियाज के अंदर कोर्सेज प्रोवाइड करती है। एंड RRU गांधीनगर का के चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने कॉन्वोकेशन भी अटेंड किया, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर 2020 से राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलरेडी गांधीनगर में एक और प्रेमाइस पहले से है, वो 2020 में स्टार्ट हो गया था और एक और नया प्रेमिस दिया, कैंपस दिया गया है। चलिए, द 19th एडिशन ऑफ इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हैज बीन हेल्ड इन, कहाँ हुई आपसे पूछा जा रहा है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ हुआ, आगरा इन उत्तर प्रदेश, ये हुआ है इंडिया US। एंड डिस्कशन को चेयर किया एयर मार्शल BR कृष्णा जी ने इंडियन साइड से, और US काउंटर पार्ट उनके रहे स्टीफन डी स्क्लैंका, ओके। और किस तरह से दोनों अपनी मिलिट्री रिलेशंस को बेटर कर सके उसी के बारे में बात हुई है, बिकॉज मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप है, दोनों देश कैसे सहयोग कर सकते हैं दूसरे का, तो बस यही सब लिखा हुआ है इसमें। चलिए, बस ये याद रखिएगा कौन सा संस्करण था, दैट इज एडिशन था, और कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। विद विच कंट्री इंडिया हैज अग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, यानी कि सरल भाषा में कि कौन से देश के साथ में इंडिया ने एक अग्रीमेंट किया है कि दोनों ही देश अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके जॉइंट टास्क फोर्स बनाएंगे जिसके तहत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन किया जाएगा, पानी से बिजली प्रोड्यूस की जाएगी और दोनों देश उसको शेयर करेंगे, दोनों ने खर्चा किया दोनों उसको शेयर कर लो, और पानी पे नदियों से के पानी यूज करके पावर क्रिएट की जाएगी। सो इंडिया और नेपाल के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल हैव एंटर्ड इनटू दिस अग्रीमेंट, पहले भी अग्रीमेंट्स चल रहे हैं इंडिया नेपाल के बीच में, अभी भी एक जॉइंट टास्क फोर्स प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम 3 मेंबर्स दोनों कंट्रीज से टास्क फोर्स के अंदर होंगे, और ये जो अग्रीमेंट है ये 9th मीटिंग ऑफ नेपाल इंडिया एनर्जी सेक्रेटरी लेवल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी में साइन हुआ काठमांडू के अंदर। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में सिर्फ उन बच्चों को जाने की जरूरत है कि कौन सी नदी पे कौन सा हाइड्रो पावर होगा, कौन सा देश कितना परसेंट शेयर करेगा, कौन सा देश क्या करेगा, ये सब किन बच्चों को जाने की जरूरत है, जो स्टेट PSCs या UPSCs फाइट कर रहे हैं, ओके। और उसके लिए अगर आप डेली CA फॉलो कर रहे हो तो पूजा मैम बहुत डिटेल में जाके सारे मुद्दे बता ही देती हैं, मंथली CA में हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम में बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगा, भी 100% श्योर इतना सा समझ लीजिए। UPSC वाले बच्चों थोड़ी एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट्स इन दैट, राइट। चलो, इंडिया हैज रिन्यूड द बायोलेटरल स्वॉप अरेंजमेंट, इंडिया हैज रिन्यूड द बायोलेटरल स्वॉप अरेंजमेंट BSA अप टू $75 बिलियन विथ विच कंट्री रिसेंटली। ओके, इंडिया और एक कंट्री के बीच में बायलेटरल अग्रीमेंट्स वगैरह चलते हैं, मॉनेटरी अग्रीमेंट्स, उन्होंने हाल ही में अप टू $75 बिलियन का बायलेटरल स्वॉप अरेंजमेंट, नॉट अग्रीमेंट, अरेंजमेंट BSA साइन किया है। स्वॉप BSA है क्या, पहले ये समझ लो, इंडिया और जापान के बीच में ये अरेंजमेंट साइन हुआ है, यानी कि अगर इंडिया को कभी लोन लेना हुआ जापान से तो वो जापानीज येन में भी ले सकता है या फिर डॉलर US डॉलर में भी ले सकता है, कितने वैल्यूएशन तक का, अप टू $75 बिलियन का। और सिमिलरली अगर जापान को लोन लेना है, उधार लेना है भाई इंडिया से, तो वो इंडियन रुपीज में भी ले सकता है या फिर US डॉलर उतने ही वैल्यूएशन के US डॉलर में भी ले सकता है। ये एक बायलेटरल यानी दो पार्टी का स्वॉप अरेंजमेंट है, यानी कि आप स्वॉप कर सकते हो करेंसी अपने खुद के नेशन की जिनसे आप लोन ले रहे हो उनकी या फिर US डॉलर की। गॉट द पॉइंट, समझ में आ गई ये बात। तो इंडिया और जापान के बीच में ये BSA हुआ है। बैंक ऑफ जापान एक्टिंग एज एजेंट फॉर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ जापान, जापान की साइड से बैंक ऑफ जापान था, इंडिया की साइड से RBI था जिन्होंने ये अग्रीमेंट BSA का एंटर किया है। टू वे अग्रीमेंट है, दोनों अथॉरिटी स्वॉप कर सकती हैं उनकी लोकल करेंसी इन एक्सचेंज फॉर US डॉलर्स, राइट। एंड ये इनिशियली 2018 के अंदर साइन हुआ था और इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करके $75 बिलियन के लिए एक कैपिंग तक ले आया गया है, और ये कुछ ट्रिविया आपको जापान से रिलेटेड दिख रही है। नेक्स्ट हम आते हैं With what is the revised compensation for the kin of hit and run victims in case of death? यानी कि hit and run cases जो होते हैं कि टक्कर मार दी और इंसान की मौत हो गई है और आप भाग गए हो, और अगर आप पकड़े जाते हो और केस चलता है और सजा होती है तो आपको 2 लाख रुपए तक का compensation, 2 लाख रुपीज़ का compensation देना पड़ेगा
इससे पहले ये 25,000 ही था, ओके, सिर्फ 25,000 रुपए का कॉम्पनसेशन हुआ करता था, अब ये 2 लाख का सॉरी कॉम्पनसेशन हो गया है। और ये किसने नोटिफाई किया है? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने किया है और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है। इसी के अलावा ये तो डेथ का केस है, अगर हिट एंड रन में सिवियर इंजरी हो जाती है तो 50,000 का आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, पहले ये 12,500 का था, राइट। सो भाई ध्यान से गाड़ी चलाना, सिर्फ पैसों के चक्कर में नहीं, अदरवाइज भी ध्यान से चलो, चलने वाले भी ध्यान से चलो। चलिए, रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, IMPO, इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, मॉनसून पे काम करेगा, है ना, मॉनसून की रिसर्च वगैरह होगी, एट द IITM, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरियोलॉजी। वेयर इज दिस IMPO या IITM? IITM में ही IMPO को एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये IITM या IMPO है कहाँ? ये पुणे के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, और उसी के अंदर एक ऑफिस सेटअप किया गया है मॉनसून प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो ये पुणे में है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है IITM। और IMPO जो है वो 5 साल के लिए इनिशियली लॉन्च किया गया है। क्या करेगा ये? मॉनसून से रिलेटेड सारी नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च वगैरह यहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, मॉनसून के टाइम पे हम बेटर मैनेजमेंट कर सके, उसके लिए ये सेटअप किया गया है ऑफिस। द ई बिल सिस्टम वॉज लॉन्च बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय, यानी कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा ई बिल प्रणाली शुरू की गई थी। सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो कुछ भी सामान बेचते हैं या देते हैं, केटरर्स हो गए, चाय वाला हो गया, व्हाटएवर हुसोएवर, तो वो अपने जो बिल्स हैं वो ई बिल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। उनको पर्चियां नहीं देने की जरूरत है, अब इनवॉइसेस देने की जरूरत नहीं है, ई बिल जनरेट करो। तो ये जो ई बिल का पूरा सिस्टम निर्मला सीतारमन जी ने इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए, वो डेवलप किसने किया है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इस डिवीजन ने डेवलप किया है। और ये 46th सिविल अकाउंट्स डे के दिन लॉन्च किया गया। 46th सिविल अकाउंट्स डे कब ऑब्जर्व किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया 2 मार्च 2022 को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? बस वही है कि भाई आपको, आप कभी भी क्लेम ले सकते हैं और आपको पर्चे वर्चे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फाइन। चलो, 46th सिविल अकाउंट्स डे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। निर्मला सीतारमन जी वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाई गई थी और ये हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS जो है वो इस दिन इंसेप्शन में, यानी एग्जिस्टेंस में आया था 1976 को। और ICAS वन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है। ये एडिशनल ट्रिविया है और जो मैंने डिस्कस भी कर ली है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इन कहाँ किया है भाई? सो पहला, फर्स्ट एवर है ना, पहला आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन, बर्फ की वॉल चढ़ो, और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पे किया है? लेह के अंदर किया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर है तो लेह ऑब्वियस है, हम पकड़ कर सकते हैं इस आंसर की, कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर साहब ने ये कॉम्पिटिशन इनॉग्रेट किया था और ये ट्रिविया आपको दिख रही है ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से रिलेटेड। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट इज ITU, टू बी सेट अप एट न्यू दिल्ली। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, उसका एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर सेटअप होने वाला है नई दिल्ली के अंदर, जो कि एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब बेटर कोऑर्डिनेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च, सब कुछ बढ़ जाएगा इंडिया में रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन। सो टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हुओलिन जाओ, रिमेंबर, अगर आपने कोर्स लिया होगा अभी SSC जनरल अवेयरनेस का कोर्स, तो उसमें हमने पूरे रिवाइज्ड UN एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किए थे, उसमें हमने हुओलिन जाओ जी को भी याद किया था, नहीं तो पहले मैंने कभी YouTube पे भी कुछ पढ़ाया होगा आपको, आई होप रिमेंबर होगा। सो इनके बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, हुओलिन जाओ और अश्विनी वैष्णव के बीच में। जो एरिया ऑफिस है वो ग्रेटर एक्सेस और एंगेजमेंट देगा इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज को
इन ग्लोबल पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में एक बेटर पॉलिसी और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाएगी, और उसी के साथ स्टार्टअप्स और यू नो टैलेंट भी सामने आएंगे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, बिकॉज इतना बड़ा एक जब सेंटर स्टैब्लिश हो रहा है तो ये सारे काम रिलेटेड भी होने ही हैं। ये ITU से रिलेटेड ट्रिविया है। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। VIDA इज अ न्यू ब्रांड नेम, या VIDA है ना, कैसे भी बोलिए आप इसको, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो इसको VIDA लिखा जाता है, VIDA भी पढ़ सकते हो, VIDA भी पढ़ सकते हो। सो VIDA इज अ ब्रांड नेम लॉन्च बाय विच कंपनी फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक कंपनी है जो कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है और उसका ब्रांड नेम उन्होंने रखा है VIDA। सो द कंपनी इज हीरो मोटोकॉर्प का VIDA। नाउ ये जो VIDA है ये अनवील होगा 1 जुलाई 2022 को, डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल जी की एनिवर्सरी है, जो कि चेयरमैन एमेरिटस हैं हीरो मोटोकॉर्प के। चेयरमैन एमेरिटस क्या होता है? एक तो होते हैं चेयरमैन के, अभी भी चेयरमैन है नहीं, ये अभी चेयरमैन नहीं है, ये चेयरमैन रह चुके हैं लेकिन अभी भी एक ऑनररी मेंबर की तरह है, है ना। तो बहुत इतने पॉपुलर फिगर है कि इनको चेयरमैन एमेरिटस का एक टाइटल दे दिया जाता है। ये एक जनरल पोस्ट होती है, ठीक है, ऑनररी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन होलोंगी। इन विच स्टेट? होलोंगी कहाँ पर है, अगर आपको पता होगा आप आंसर कर पाओगे। इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, होल कंट्री के एंड में, ऐसे याद रखेंगे, होलोंगी अरुणाचल प्रदेश में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने जा रही है होलोंगी के अंदर। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? जो ग्रीन फील्ड्स होती हैं उनको अक्वायर किया जाता है और उनको डेवलप किया जाता है। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट भी होते हैं, है ना। ये नया एयरपोर्ट बन रहा है ग्रीन फील्ड्स पे तो उसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बोल दिया। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट होते हैं जो कि पुराने को ही हम रिजुविनेट कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ थोड़ा फोड़ी करके और वापस से बना दीजिए, उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं, अभी देखेंगे। सो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होलोंगी में ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है और ईटानगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नाउ ये समझ लीजिए ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड टर्मिनोलॉजी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट ऑन अ ग्रीन फील्ड लैंड। ब्राउन फील्ड में मॉडिफिकेशन या अपग्रेड्स होते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आ गया? जो थोड़ा बहुत खबरों में रहे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स हाल ही में वो देख लीजिए। पाक्योंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का, क्योंकि अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है तो देख लेते हैं। गौरतलब है कि भाई पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा डेवलप हुआ? पाक्योंग, कहाँ पर? सिक्किम के अंदर गैंगटॉक में, ठीक है, गैंगटॉक से थोड़ा किलोमीटर्स नीचे, सो सिक्किम के अंदर हुआ। दूसरा काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल के अंदर, इंडिया का पहला प्राइवेट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। सो पहला प्राइवेट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में, पहला नॉर्थ ईस्ट में गैंगटॉक सिक्किम के अंदर, अभी बन रहा है अरुणाचल होलोंगी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सेंटर ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था कि हाँ जी हम बनाएंगे 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से 8 ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र के अंदर सिंधुदुर्ग और शिरडी, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम के अंदर पाक्योंग, केरला में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में ओरवाकाल, कर्नाटका में कालबुरागी एंड उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ठीक है जी। तो ये भी आप, ये जितने भी नए एयरपोर्ट्स हैं न्यूज़ में पूछे जा सकते हैं वन डे एग्जाम्स में इन पर्टिकुलर। अगली खबर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम। दो ट्रेन अगर आपस में भिड़ती हैं, कोलिजन करती हैं तो प्रोटेक्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इस सिस्टम का क्या नाम है? आंसर इज कवच। कवच आर्मर है ना, कवच धारण करवा दिया ट्रेन्स को, भिड़ेंगी भी तो बच जाएंगी और बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सो इट इज इंडिजिनस, यानी इंडिया में बना हुआ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ATP सिस्टम है नाम है इसका, कवच। और इसको टेस्ट करके देखा जा चुका है और कई सारी जगहों पर इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। The Oceans 2022 Conference and Exposition was held in which city? Ocean 2022 Conference or Exposition या प्रदर्शनी हाल ही में कहाँ पे hold की गई? Answer is Chennai. Chennai के अंदर ये conference हुई and IIT Madras, then NIOT, that is National Institute of Ocean Technology Chennai, इन्होंने ये organize की है और पहली बार ये India के अंदर ये conference हुई है। इससे पहले अभी तक सब बाहर दूसरे देशों में हुआ करती थी। सो ये बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस है, साल में दो बार होती है लेकिन पहली बार इंडिया में हुई है। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। सो ओशंस जो कि सबसे बड़े वाटर बॉडीज हैं, उनको हम कैसे बचा के रख सकें, उनको मेंटेन कर सकें, उसके बारे में सारी कॉन्फ्रेंस होती है। एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल मैरिटाइम प्रोफेशनल्स का, जो कि लर्न इनोवेट लीड करते हैं कि प्रोटेक्ट और यूटिलाइज कैसे करें हमारे ओशंस को, ठीक है जी।
ओके, ध्यान से एक बार ये खबरें सुन लीजिए, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, है ना। उसके बाद एक बार नोट से पढ़ लीजिएगा अगर नोट्स ले रहे हैं तो, नहीं तो एक बार अपने लेवल पर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, डोनेट अ पेंशन कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट बाय दी स्कीम बाय दी गवर्नमेंट रिसेंटली, यानी हाल ही में सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान, डोनेट अ पेंशन शुरू किया गया है। डोनेट अ पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योजना मान धन स्कीम योजना ने योगी, सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम के तहत में डोनेट अ पेंशन स्कीम चालू की गई है, कैंपेन चालू की गई है। क्या है डोनेट अ पेंशन कैंपेन? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग होते हैं, जैसे आपके प्लम्बर हो गए, गार्डनर हो गए, कुक हो गए, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते हैं, इनको पेंशन नहीं मिलती है, तो आप एक पेंशन डोनेट कर सकते हो, यानी कि उनकी तरफ से जो किश्तें होंगी, जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो आप पे कर सकते हो, मिनिमम एक साल के लिए, मैक्सिमम जितना भी आप चाहें। सो 2019 के अंदर ये एक स्कीम लाई थी सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, कि जिनकी 15,000 तक की आई थिंक इनकम है वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार भी देगी और उनका एक पेंशन फंड क्रिएट होगा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए डोनेट अ पेंशन कैंपेन लाए गए हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन न दे, आप अपना उनके बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जैसे मैं मेरे जो अंडर में काम कर रहे हैं हेल्पर्स हैं, मैं उनका कंट्रीब्यूशन पे कर सकती हूँ। समझ में आ गया जी? चलिए, सो यूनियन मिनिस्टर, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है और उन्होंने बोला कि मैंने भी अपने गार्डनर का पे किया, ऐसे करके न्यूज बनी थी। अंडर द न्यू इनिशिएटिव सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट टू द पेंशन फंड फॉर देयर इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ बाय डोनेटिंग देयर प्रीमियम अमाउंट। ओके, अगली खबर आ रही है आपके सामने। इंडिया ग्लोबल फोरम्स एनुअल समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। इंडिया ग्लोबल फोरम का एनुअल समिट जो होता है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? बैंगलोर के अंदर किया गया, बेंगलुरु में। और समिट में जितने भी ये जो इंडिया ग्लोबल फोरम है, बेसिकली जितने भी यूनिकॉर्न कंपनीज होते हैं वो इधर पार्टिसिपेट करते हैं, जो फिनेंस मिनिस्ट्री होती है वो आती है, सो एमिनेंट जो कॉरपोरेशंस हैं वो आती हैं, इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट करती है, नेशनल भी। तो एक तरह का ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि जिन जिन कंपनीज और ग्रुप्स को इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो उनको जानने को मिल जाता है यहाँ के सारे प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और यहाँ वाले लोग भी पिच कर सकते हैं और बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कॉमन प्लेटफॉर्म। सो इसका नाम देखिए, इंडिया ग्लोबल फोरम, ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मीट्स यू नो इन्वेस्टमेंट, राइट। सो द समिट ब्रिंग्स टुगेदर दोज हु हैव जॉइंड द यूनिकॉर्न क्लब अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्ट्री के पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल बिजनेस लीडर्स इसमें आते हैं। इस बार की थीम रही द न्यू इंडिया इनकॉर्पोरेशन। सो बाहर से लोग ऑफकोर्स आएंगे और देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, दे कैन इन्वेस्ट एंड एक्सेल, आर बिजनेस इंडस्ट्री कैन एक्सेल। सो ये जो इंडिया ग्लोबल फोरम है, एजेंडा सेटिंग करता है ये फोरम इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड ग्लोबल लीडर्स के लिए, एक सिलेक्शन यू नो एक प्लेटफॉर्म देता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स और पॉलिसी मेकर्स को, और वो इंटरेक्ट कर सकते हैं विद स्टेक होल्डर्स उनके सेक्टर के लिए और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के जो भी लोग हैं, तो यू नो दे विल गेट टू गेज द मार्केट हियर। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस कॉमर्स एंड कल्चरल डेस्टिनेशन द जियो वर्ल्ड सेंटर इन विच सिटी मुंबई। मुंबई के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस कॉमर्स और कल्चरल डेस्टिनेशन स्टार्ट किया है, जहाँ पे यू नो सुंदर चीज़ें भी होंगी, खाने पीने की चीज़ें भी होंगी, एंटरटेनमेंट की भी होगी, ट्रेड से रिलेटेड भी होंगी। मुंबई में है और 5 acres में फैला हुआ है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं झरोखा Which was in news recently is a celebration related to which field? झरोखा कौन सी फील्ड से रिलेटेड सेलिब्रेशन है? डांस है, कल्चर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्या है? सो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये सेलिब्रेशन है झरोखा, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया ये एक यू नो सेलिब्रेशन, उत्सव बोल दीजिए इसको, झरोखा कॉम्पेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर। इसके अंदर 16 locations, 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये ऑर्गेनाइज किया गया, और जैसे भोपाल मध्य प्रदेश, अटरानी, कमलापति जो फर्स्ट था सेलिब्रेशन वो यहाँ पे हुआ, तो जो आर्ट एंड कल्चर है उस जगह का पर्टिकुलरली वो डिस्प्ले में डाला जाएगा। अभी ऐसे बहुत से और यू नो इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, हैंडलूम, फोक थिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है, उनमें से एक ये रहा झरोखा आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल, और अलग अलग जगहों पर होना है। सबसे पहला जो हुआ वो भोपाल के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ, कमलापति दे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के अंदर। चलें जी आगे। In the year 2022, which edition of National Youth Parliament Festival was organized by the Lok Sabha Secretariat and the Ministry of Youth Affairs and Sports?
वर्ष 2022 में लोकसभा सचिवालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के किस संस्करण को आयोजित किया गया? थर्ड एडिशन था ये, थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। क्या होता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल? ये 18 से 25 के जो एज ग्रुप के यूथ होते हैं उनको एक तरह से पार्लियामेंट्री फीलिंग देने के लिए उनके लिए कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वो फील ले सकें किस तरह से संसद चलता है, किस तरह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो वोट तो दे सकते हैं लेकिन वो कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन अभी, पर इनके पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं तो इनके आइडियाज़ और ओपिनियंस को बाहर लाने के लिए ये किया जाता है। इट वॉज कंडक्टेड इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन और जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी थे हैं उन्होंने वैलेडिक्टरी फंक्शन को एड्रेस किया। और ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और डेमोक्रेटिक प्रोसीडिंग्स को समझाया जाता है यूथ को, ठीक है, ताकि उनकी वॉइस सुनी जा सके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट एडिशन जो था इसका 2019 के अंदर हुआ था, ये थर्ड एडिशन रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। With which country India has signed MOU, that is Memorandum of Understanding on Cooperation in Science, Technology and Innovation? एक कंट्री है जिसके साथ में भारत ने MOU साइन किया है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर के, आंसर है सिंगापुर। और इनॉग्रल इवेंट हुआ इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट 2022, इसके अंदर ये साइन हुआ है और ये 5 साल तक तो अभी रहेगा, उसके बाद रिन्यू हो जाएगा अगले 5 साल के लिए। और इसमें क्या होगा, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आपस में यू नो कोऑपरेशन होगा ही, उसके अलावा एग्रीकल्चर, फूड साइंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ग्रीन इकोनॉमी, डेटा साइंस, हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा में भी कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ में करेंगी। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड बेस्ड GI टैग्ड हैंड निटेड कश्मीरी कारपेट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री रिसेंटली? यानी कि QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बने हुए कश्मीरी कालीन की पहली खेप हाल ही में किस देश में निर्यात की गई है? आंसर इज जर्मनी। सो कश्मीरी कारपेट जो है GI टैग मिल रखा है उनको, सो वो GI टैग QR कोड, जो QR कोड स्कैन किया जाता है ना उसकी मदद से हर कश्मीरी कारपेट को जो हाथ से बनाए जो ऑथेंटिक है उसको GI टैग को QR कोड में लॉक करके दे दिया गया ताकि जहां कहीं भी इसको भेजा जाए QR कोड स्कैन करके पता लगाया जा सके ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं है। फाइन, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी मिल सके, कौन से कारीगर ने बनाया, कहाँ बनाए, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाएगी उस QR कोड पे बेस्ड GI टैग से, ठीक है। तो और इसकी पहली जो कंसाइनमेंट है इंटरनेशनल कंसाइनमेंट वो जर्मनी को भेजी गई है, तो बस कोई जर्म्स नहीं होते हैं कश्मीरी कारपेट में एकदम, तो जर्मनी को भेज दिया जहां बहुत सारे जर्म्स हैं याद करवा रही है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे जर्म्स नहीं है, आपको भी पता है। सो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लॉन्च क्विक रिस्पॉन्स दैट इज QR कोड फॉर GI टैग कारपेट ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ताकि पता लग सके कि हाथ वाथ से बना हुआ है एवरीथिंग। बस चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगले पॉइंट पे। द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज कौन सी स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है? आंसर इज अमृत 2.0, 2.0 नहीं बोलेंगे हम। वैसे मैं बता दूं कई जगह पे 2.0 को 2.0 बोला जाता है, ओ का मतलब ABCD वाला ओ नहीं, स्टाइल के लिए बोल देते हैं, पर 2.0 है। चलिए, सो अमृत 2.0 स्कीम के तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है। अभी अमृत क्या है पहले तो ये देख लो, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और देखो बहुत सारी ऐसी समस्याएं पर्टिकुलरली वाटर से रिलेटेड जो कि जिसके बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूथ के पास हो सकते हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है बिकॉज ये पूरा जो मेड इन इंडिया वाला चीज़ चल रही है, आत्मनिर्भरता को फोकस दिया जा रहा है, तो यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सारे विजन्स के अंदर। सो यहाँ पे भी यूथ के पास बहुत सारे पिचेस हो सकते हैं कि कैसे हम वाटर को बेटर मैनेज कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज को बेटर मैनेज कर सकते हैं, तो वो अपने पिचेस लेके आएं, अपना पायलट प्रोजेक्ट दिखाएं और स्केल करने के लिए यानी उसको बड़ा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। इससे रिलेटेड ये पूरा स्टार्टअप चैलेंज है, आप समझ लीजिए। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन जून 2015 ओरिजिनली। नाउ ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ये 100 स्टार्टअप को सिलेक्ट करेगी और फिर उन वो अपने पिचेस देंगे, पायलट दिखाएंगे और फिर उनको स्केलिंग के लिए 20 लाख रुपए और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, बीच में अभी चल रहा था और अभी भी चल रहा होगा, आई एम श्योर, मैं देख ही नहीं रही हूँ। सो शार्क टैंक में क्या था, आप लाइए अपना पिच कीजिए, आप अपना थोड़ा बहुत दिखा दीजिए और फिर हम जो भी आपका प्रोजेक्ट है और फिर अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम स्केलिंग आपको इन्वेस्टमेंट और मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, सेम थिंग इज देयर, राइट। मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के हरदीप सिंह पुरी जी
और अमृत का पर्पज है कि हर हाउस होल्ड में टैप वाटर मिले स्वच्छ 24 घंटे, सीवरेज कनेक्शन रहे। तो वाटर एंड सीवरेज ये दो मेजर फोकस हैं अमृत स्कीम के, ठीक है जी। पहला पानी और दूसरा सीवरेज। फिर हम आते हैं आगे, द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवेज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन आसानसोल डिवीजन ऑफ, कहाँ पे? तो देखो बीच में कभी कभी खो जाते हैं। सो फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इंडियन रेलवेज का इनॉग्रेट हुआ है आसानसोल डिवीजन में, और इंडियन रेलवेज का ये कौन सा डिवीजन है? सो इट इज द ईस्टर्न रेलवे डिवीजन, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे का आसानसोल डिवीजन है और यहाँ पे पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। अब ये गति शक्ति क्या है भाई? प्राइम मिनिस्टर ने गति शक्ति एक विजन दिया था कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं ना इंडिया के अंदर, भले से वो रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, आपके रोडवेज हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, राइट, तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, वरना अलग अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे रुपए लग जाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और अब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनने की बात करें, आत्मनिर्भर बनने की बात करें, तो जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, अगर हमारे लॉजिस्टिक्स ही आपस में तालमेल वाले नहीं हैं, राइट, तो हम हमारी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हम खुद पे इनकर कर लेंगे, इन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम बहुत खर्चा कर लेंगे, और जो हमारे मुनाफों का मार्जिन है वो हम खुद ही रिड्यूस कर लेंगे। तो एक विजन है कि गति शक्ति, है ना, गति मिलनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स बहुत स्मूथ होने चाहिए इंडिया में, और उसके चलते सारी चीज़ें अब थोड़ी सी कोऑर्डिनेटेड वे में चलें, और उसके चलते पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बना है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। इन 2021 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गति शक्ति स्कीम या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, हर जगह कनेक्टिविटी होनी चाहिए साहब, विद द एम ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी डाउन आ सके। और इसका जो मास्टर प्लान था उसमें रोडवेज कैपेसिटी बढ़ाइए, रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कार्गो कैपेसिटी बढ़ानी है, और उसी के चलते ये फर्स्ट आया है, ठीक है, 1600 टन। देन रिन्यूएबल कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, एयरपोर्ट्स और आएंगे, ट्रांसमिशन नेटवर्क हमारा बेटर होगा, 4G यू नो, और मेगा फूड पार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। तो उसके चलते ये पहला एक स्टेप आगे हमने लिया है। आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स योग महोत्सव 2022, योग महोत्सव 2022 इनॉग्रेट किया है आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने। और मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आता है, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो बस ये इतना सा सवाल बन सकता है, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, किसने इनॉग्रेट किया, और बेसिकली जो इंटरनेशनल योग दिवस आएगा, सवाल ही नहीं पूछा मैंने आज आपसे कोई भी, पढ़ाने के चक्कर में मैं भूल जाती हूँ। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योग, योग बोलते हैं बाहर सब, योगा बोलते हैं, कैसे भी बोल लीजिए, सो इंटरनेशनल डे ऑफ योग ऑर्गेनाइज होना है, और उसी को और हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज योग इंडिया की देन है दुनिया को, और इसके लिए ये योग महोत्सव एंड 100 डेज काउंटडाउन टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये सब ऑर्गेनाइज किया गया है। खासी बातें जो है वो मैंने बता दी हैं, उन्हीं पे फोकस कीजिए, बाकी तो कहानी है समझाने के लिए। चलिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ऑफ इंडिया एंड सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB ऑफ श्रीलंका, है ना, टू जॉइंटली सेटअप सोलर पावर प्लांट इन त्रिनकोमाली श्रीलंका। त्रिनकोमाली श्रीलंका के अंदर एक जॉइंट सोलर प्रोजेक्ट, इंडिया और इंडिया का NTPC और श्रीलंका का CEB करने वाले हैं पोर्ट ऑफ त्रिनकोमाली के अंदर, एंड 100 मेगावाट का सोलर प्लांट डेवलप होगा, और हमारे जो इकोनॉमिक बायलिटरल रिलेशंस हैं वो और इसकी वजह से स्ट्रेंथन हो जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। हम वैसे ही कोऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, इसमें और कोऑपरेशन बढ़ेगा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय इंडिया फॉर श्रीलंका एज लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना, टू हेल्प आइलैंड कंट्री यानी श्रीलंका इन इंपोर्टिंग फूड एसेंशियल आइटम्स एंड मेडिसिन। श्रीलंका पे जो कोविड का इंपैक्ट रहा वो इतना ज़्यादा रहा कि अभी भी वो जूझ रहा है बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ में, तो इंडिया ने अपना लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा करके कितना कर दिया है, $1 billion का किया है कि इतना हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, यानी कि सहायता राशि, है ना, और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल किया जा सके। श्रीलंका के फिनेंस मिनिस्टर आए थे इंडिया, बेजिल राजपक्ष, साइन करने के लिए फॉर दिस लाइन ऑफ क्रेडिट। विच यूनिट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड हैज बिकम द लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड? कोल इंडिया लिमिटेड की कौन सी यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बनी इंडिया के अंदर? महानदी कोल फील्ड, और ये कहाँ है? ओडिशा के अंदर है, संबलपुर में। महानदी किधर? ओडिशा में, तो संबलपुर ओडिशा के अंदर ये है कोल इंडिया लिमिटेड की महानदी कोल फील्ड्स, और इसने 157 मिलियन टन्स को क्रॉस कर लिया कोल प्रोडक्शन में
21-22 ईयर के अंदर, ये इसका कुछ ट्रिविया है। और यहीं पे आपसे एक सवाल एडिशनल रख दिया गया है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, राइट? तो सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन कौन से स्टेट से हुआ, अगर 2020 और 21 के आंकड़े देखे जाएं, जो कि लेटेस्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ने यही दिए हैं। सो छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड द हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन 158.409 मीट्रिक टन, और फॉलोड बाय ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। ध्यान रखेंगे हम। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क जिसको बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलुरु के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। चलिए बस इतनी सी खबर है, कुछ नहीं, जहाँ डिटेल में नहीं जाना वहाँ कूदने की कोशिश मत करिए। इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेल है ये, ठीक है, और इसके अंदर फ्यूल सेल है, ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बेस्ड है पूरी तरह से, तो चार्जिंग वार्जिंग हर चार्जिंग स्टेशन पर जाके वो भी नहीं करना, सेल बेस्ड है। हैज़ बीन लॉन्च इन विच ऑटो बाय विच ऑटो कंपनी अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत कौन सी कंपनी ने इंडिया में पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है? आंसर इज टोयोटा, टोयोटा। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया, और ये कंप्लीटली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कंप्लीट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। सो बायोफ्यूल है, हाइड्रोजन है ना। अच्छा, इसमें एनिमेशन है, वेरी गुड। चलिए, सो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC वॉज हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम 20th to 22nd मार्च इन, सो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, जिसको कि ओलंपिक्स ऑफ जियो साइंसेज भी कहा जाता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो साइंसेज होती हैं, भू विज्ञान। सो 36th इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? नई दिल्ली के अंदर हुई, इसको ओलंपिक्स ऑफ जियो साइंसेज भी कहते हैं। यहाँ हमारे इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अर्थ साइंसेज, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और तीन देशों की साइंस एकेडमी, तीन देश कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, हमारे पड़ोसी राज्य। तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, नीचे मैप पे देख लीजिएगा, इनके साइंस एकेडमीज और हमारे इन सारे मिनिस्ट्रीज ने मिलकर के ये कांग्रेस होल्ड की। एंड लेट मी सॉर्ट दिस अ बिट फॉर यू, क्योंकि बहुत हेजी दिख रहा है। ओके, एंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू, या सो यहाँ किस बारे में बात होगी? यहाँ पे बात होगी कि हम जियो साइंसेस को कैसे, मतलब हमारे जियोलॉजी को कैसे बेटर रख सकते हैं, बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, और इसी से रिलेटेड इसका थीम रहा, जियो साइंसेस बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सॉइल मूवमेंट भी चल रहा है, इफ़ यू वुड हैव सीन, सदगुरु ने लीड किया हुआ है। सो जियोलॉजी हमारी जितनी अच्छी रहेगी, हमारी सॉइल जितनी अच्छी रहेगी, हमारा भू विज्ञान जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही हम सस्टेन कर पाएंगे। और क्वाड्रेनियल हेल्ड की जाती है, यानी 4 साल में एक बार हेल्ड की जाती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस। आगे चलें जी। ओके, द कोचेस फॉर द दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर वर लॉन्च बाय नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन विच ईयर NCRTC वॉज फाउंडेड। अभी देखो, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर में जो इंडिया का पहला रैपिड रेल अनवील हुआ है, 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर, और 25 स्टेशन इसमें होने अभी बन रहा है, पर पहला अनवील हुआ है, इंडिया का पहला रैपिड रेल, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो NCRTC है ये कब गठित हुआ था, फाउंड हुआ था, तो इट वॉज फाउंड इन 2013। बहुत हाई स्पीड ये रेल है, बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। देख लो इसको, कहाँ चला गया हमारा कर्सर। नेक्स्ट हम आते हैं, द गोल्डन लंगूर इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज नेटिव टू विच कंट्री? गोल्डन लंगूर, एनिमल्स की बात आती है मैं खुश हो जाती हूँ। सो गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कौन से देश का नेटिव है? तो इंडिया और भूटान, मैप पे भूटान दिख गया, इंडिया और भूटान में नेटिव है, और इसकी आबादी बहुत कम होती जा रही है, इसके लिए अभी ये न्यूज़ में बना रहा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन इनकी हैबिटेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी आबादी कम हो रही है, ऑलरेडी एंडेंजर्ड है ये। और इसको, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो देख लीजिए, ट्रैकीपिथेकस गेई, ठीक है जी। अगली न्यूज की तरफ आते हैं, द नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम, STD इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्कीम, यानी कि नेशनल एड्स और STD कंट्रोल प्रोग्राम कौन सी कैटेगरी ऑफ स्कीम में आता है? स्टेट स्कीम्स में आता है, सेंट्रल स्कीम में आता है? आंसर इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम्स के अंदर में आता है ये। और अभी न्यूज में इसलिए बना क्योंकि इसको इस प्रोग्राम की अवधि बढ़ा दी गई है, ठीक है जी। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल एड एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम अप्रैल 1, 2021 से मार्च 2026 तक,
और इसके लिए आउटले किया गया है 15,471.94 crores का। ये इसका फेज 5 रहेगा और ये इनिशिएट किया गया था ये प्रोग्राम 1992 में एड्स को एसटीडी को कंट्रोल करने के लिए। फाइन, जो फेज 4 है वो खत्म हो गया था 31 मार्च 2021 को और फिर इसको आगे बढ़ाया गया है 5 साल के लिए। अगली खबर है सुजलम, सुजलम अच्छा जल, शुद्ध जल। सुजलम 2.0 कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री होगी सुजलम? सिंपल है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, लेकिन सवाल जरूरी नहीं है, ऐसे है कुछ और भी आ सकते हैं, इसलिए समझ लो। सो सुजलम कैंपेन जो है 2.0 लॉन्च किया गया ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। पूछा जा सकता है कौन से वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या है मैम, तो एक तो होता है क्लीन वाटर जो कुओं में, पोखरों में और स्प्रिंग्स में और पीने, है ना, प्योरीफाइड वाटर जो हम पीने के काम में लेते हैं वो होता है। एक होता है ग्रे वाटर जो हम सिंक में काम में लेते हैं, है ना, हाथ वाथ धोने के काम में ले लिया, शावर में काम में ले लिया, लॉन्ड्री में, जो हम काली टंकी गोरी टंकियों में भरते हैं ना टेरेस पे और सीधे यूज़ ले लेते हैं। एक होता है जो फिल्टर करके पीते हैं, दैट इज़ क्लीन वाटर। एक होता है ग्रे वाटर, हाथ वाथ धो लिए, नहा लिए उससे। एक होता है ब्लैक वाटर जो टॉयलेट्स में यूज़ किया जा सकता है, है ना, केमिकली ट्रीटेड होता है, उसको आप अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते, हार्श केमिकल्स होते हैं उसके अंदर। यूजली कई घरों में इन दोनों के बीच में डिमार्केशन नहीं होता, पर होना चाहिए। सो ये जो ग्रे वाटर है, ये जो सुजलम कैंपेन है ग्रे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस थी और है, और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को आता है, 22 मार्च को इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड वाटर डे, और उसके दिन इसको लॉन्च किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया। मैंने आपको याद कराया था गजयानी हाथी, हाथी को पानी बहुत पसंद है। थीम क्या रही इस बार इसकी? सो थीम वॉज सुजलम कैंपेन की ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। वर्ल्ड वाटर डे की भी यही थीम थी, सेम थीम के ऊपर ये है। और ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि ग्रे वाटर को हम मैनेज कर सकें, ग्रे वाटर को ही हम रीयूज कर सकें ब्लैक वाटर की तरह से, समझ रहे हैं? जो आपने हाथ वाथ धोए सिंक में उस पानी कहीं स्टोर हो जाए और जब आप टॉयलेट में फ्लश करते हो तो वही पानी काम में आ जाए, ताकि और ग्रे वाटर वेस्ट ना हो। इस तरह से लोगों के पार्टिसिपेशन से हम ग्रे वाटर को मैनेज कर सकें। देन इसके अलावा जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके कुछ और कैंपेन्स देख लेते हैं। जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च हुआ था और 2019 में कुछ थोड़े से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च हुआ था और 2021 में इसको पैन इंडिया फ्लोट करवा दिया गया था, ठीक है। तो जल शक्ति और उसके अलावा अटल भूजल योजना कि हमारे पास कितना पानी, हम कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं, इसका सबका लेखा जोखा रखा जाए, और उससे रिलेटेड ये पूरी स्कीम रही थी। तो ये दो एडिशनल स्कीम्स हैं या कैंपेन्स हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री की जो पहले चल रही थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इन विच सिटी द स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड। सो कौन से सिटी के अंदर स्टेप अप टू एंड टीबी, आगे आइए टीबी को खत्म करने के लिए वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली के अंदर किया गया, और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने इनॉग्रेट किया ये समिट वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पे। एक सवाल मिला मुझे आपके लिए, चलो बताओ देखूं कितने बच्चे यहां तक पहुंचे, इतना देर तक वीडियो में रुके आनी है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब आता है, डेट बताइए, याद करवा चुकी हूँ मैं आपको, डेट बताइए मार्च की कौन सी तारीख को आता है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से कॉज होता है? आई थिंक एक वीडियो में मैंने बैक्टीरिया वायरस, पता नहीं वायरस बोल दिया था आई थिंक गलती से, मैंने कुछ कमेंट में पढ़ा। सो इट इज़ कॉज बाय अ बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का भी नाम बताइए। चलिए जल्दी से, एक सवाल मिला हमको, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर विल अवार्ड जो अच्छे स्टेट्स हैं जो कि टीबी को खत्म करने में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। एंड प्रधानमंत्री जी ने 2018 के अंदर प्रपोज किया था कि इंडिया 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए, जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे यूएन के, उसके तहत 2030 तक वर्ल्ड ने टारगेट लिया है कि हम टीबी मुक्त हो जाएं, लेकिन इंडिया ने बोला था भाई 2025 तक हमें टीबी मुक्त होना है। तो उसके तहत अब ये जो समिट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। इंडिया अचीव 400 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जो टारगेट है हमारा 400 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट का, वो अचीव कर लिया है, क्रॉस कर लिया है 400 बिलियन एक्सपोर्ट्स इन 2021-2022। और 2020-21 में 292 बिलियन पे हम पहुंच पाए थे, तो 37% का इस बार इजाफा या जंप देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स में। उसमें भी जो चेंज जो ईयर टू ईयर आया वो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। पेट्रोल नहीं है ये, क्रूड ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो इंक्रीज़ हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। और अगर आप वैल्यू की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं बाय वैल्यू। सो मोटे मोटे तौर पर देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये बहुत फेवर्ड आइटम रहे एक्सपोर्ट के
एंगल से, और ये जो पूरा डेटा है फरवरी 2022 का है। फिर बायजूज ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में होना है 2022 के अंदर, और बायजूज के जो फाउंडर और सीईओ हैं बायजू रविंद्रन, उन्होंने ये बताया कि हमें बहुत खुशी हो रही है हम इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गए हैं, विच इज़ द सिंगल बिगेस्ट सिंगल स्पोर्ट इवेंट इन द वर्ल्ड। फीफा वर्ल्ड कप जो है एक ही स्पोर्ट होता है और सिंगल स्पोर्ट होता है, इवेंट होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा ये इस कैटेगरी के अंदर इवेंट है, और ये कतर के अंदर होना है 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। अगली खबर आ रही है आपके सामने, गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज 10 डे लॉन्ग भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल एट विच प्लेस टू शोकेस द हेरिटेज कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की विरासत संस्कृति विविधता को प्रदर्शित करने के लिए सरकार ने 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता उत्सव किस स्थान पर आयोजित किया है, लाल किले पे, है ना, लाल किले पे उत्सव ये आयोजित किया है, और इसका इनॉग्रेशन हो चुका है और स्मृति ईरानी जी ने किया है, और क्या है भाई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी ने 25 मार्च को इसको इनॉग्रेट किया है, और जो लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं उन वो लोग आकर के यहाँ पे अपनी कला को प्रदर्शित करेंगे, स्पेशली अगर कहीं GI टैग्स मिल रखे हैं जिन चीज़ों को, वो आकर के यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे भारत भाग्य विधाता। एंड वॉट एल्स, आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते ये हो रहा है, और मिनिस्ट्री ने टाई अप किया है या कोलैबोरेट किया है डालमिया भारत ग्रुप से टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, मोर देन 70 मास्टर क्राफ्ट्समैन अपनी क्राफ्ट्समैनशिप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये रेडफोर्ट की ट्रिविया है, ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी मैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लाल किला आ गया खबर में तो लाल किले से जुड़ा हुआ कुछ पूछ न ले तो पढ़ लीजिएगा, सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूँ, नहीं तो नोट्स वोट्स हो या PDF हो तो और भी बढ़िया, ठीक है जी। चलिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रॉ जूट बाय 250 रुपीज टू व्हाट अमाउंट पर क्विंटल फॉर 2022-2023 सीजन। समझ लीजिए सवाल, जो रॉ जूट होता है यानी कि कहाँ लिखा होगा यहाँ पे, कच्चा जूट, ठीक है यही बोल रखा है, कच्चा जूट जो है उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जिसके ऊपर खरीदा जाएगा वो, तो उसका 250 रुपये से प्राइस बढ़ा करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब कितना कर दिया गया है पर क्विंटल, सो 4,750 4,750 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अब रॉ जूट खरीदा जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, बस इतनी सी खबर है और ये जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ट्रिविया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जी, वॉट इज द एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री राशन स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो एक फ्री राशन स्कीम है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, और कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, सितंबर 2022 के लिए 6 महीने से इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, जून के अंदर ये खत्म होनी थी, जून के अंदर, आई थिंक मार्च के अंदर, नॉट जून, सो यूनियन 6 महीने देख लीजिए ना, सितंबर तक अगर बढ़ाई है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सही है ना, मार्च, मेरी मैथ पुअर है इसलिए मैं ऐसे गिनती हूँ, डोंट माइंड। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी हैज एक्सटेंडेड 6 महीने के लिए, सितंबर ये फेज 6 है उसको एक्सटेंड किया गया है 6 महीने के लिए, और हाँ ये लिखा है ना, हम क्यों ऐसे बिल्कुल गवारों जैसी हरकतें कर रही हूँ मैं एकदम नेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर के। सो PMGKY दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये दुनिया में चलने वाली सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम है, इतने बड़े लेवल पे और कहीं भी ये नहीं चल रही है, एंड इम्प्लीमेंट हुई थी अप्रैल 2020 में लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत, अप्रॉक्सीमेटली 2.60 लाख करोड़ रुपीज़ इसमें लग चुके हैं, और अगले 6 महीने के अंदर 80,000 करोड़ और लागत आ जानी है, टोटल 3.4 लाख करोड़ इस स्कीम में टोटल लगाए जाएंगे। अगली खबर की ओर फटाफट से बढ़ लेते हैं, The 73rd annual National Conference on Indian Psychiatric Society ANCIPS has been organized in which city, यानी कि Indian Psychiatric Society की 73rd annual conference जो थी वो कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम के अंदर हुई है, और 3 दिन की ये conference रही, Vizag Conventions at मधुरा वाड़ा के अंदर ये हुआ, और 37 years के बाद में विशाखापट्टनम के अंदर ये organize की गई है, और इसमें क्योंकि ये देखो Indian Psychiatric Society है तो जो भी psychiatric issues होंगे, drug abuse हो गया या फिर mental depression होते हैं, suicidal tendencies होती हैं, उन सब के इर्द गिर्द discussions किए गए, इस बार की थीम रही Bridging Minds Connecting Generations, ठीक है, सो जनरेशन गैप्स जो होते हैं मेंटल लेवल बहुत डिफरेंट होने के कारण, तो उसको ब्रिज करने से रिलेटेड ये थीम रही। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट विमेन ओन्ड FLO इंडस्ट्रियल पार्क 100% विमेन ओन्ड एंड ड्रिवन बिगिंस ऑपरेशन इन हैदराबाद। हैदराबाद में फिक्की जो है फिक्की दैट इज मैंने लिखा है यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
ठीक है, यहाँ देखिएगा मैं मार्क इसलिए करती हूँ ताकि बहुत कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आपको पता रहे कि कहाँ फोकस करना है। फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका एक सेपरेट विंग FLO है और उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं FLO इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पर। ठीक है, ये कम्प्लीटली विमेन द्वारा रन है, विमेन ही मैनेज करेंगी, विमेन ही इसको रन करेंगी। और इंडस्ट्रियल पार्क ने ऑपरेशन अपने स्टार्ट किए हैं 25 विमेन के साथ में, ग्रीन प्रोजेक्ट से लेकर के आएंगे, और तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, और इसमें जो इंडस्ट्रियल पार्क है FLO इंडस्ट्रियल पार्क, 250 करोड़ की इसमें लागत आई है, दुनिया देश का पहला ऐसा ये प्रोजेक्ट सामने आया है। इंडिया साइन MOU विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इंडिया ने किन कंट्रीज के साथ में साइन किया है? बांग्लादेश और नेपाल के साथ में। BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ठीक है, भूटान का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, रेटिफिकेशन अभी बच रहा है, इसके लिए बांग्लादेश और नेपाल के साथ में अग्रीमेंट साइन हो गया है। ये है ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर ट्रेड से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया। लेट मी लुक एट वेयर आई रिटन, यस। तो ये रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, इन सभी देशों के बीच में स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन हो सके, लोगों का आना जाना, ट्रेड का आना जाना हो सके, उसके लिए अग्रीमेंट है। एंड जो भूटान है उसने अभी ऑब्जर्वर की तरह इसमें पार्टिसिपेट किया है, उसका रेटिफिकेशन पेंडिंग है, यानी अभी कंफर्मेशन पेंडिंग है ऐसे समझिएगा। और जून 2015 में ही साइन हो गया था लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है एंड स्टिल सम थिंग्स आर पेंडिंग। सो पैसेंजर, पर्सनल एंड कार्गो व्हीकल ट्रैफिक जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, वो बहुत स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो पाएगा आफ्टर द साइनिंग ऑफ ऑल दी कंट्रीज। ठीक है, तो चलिए नेशनल न्यूज़ खत्म हो चुकी है, जल्दी से फिनेंस एंड बैंकिंग न्यूज़ को भी खत्म करते हैं, बिकॉज वीडियो आई नो लंबा हो रहा है, बट देन आई कैन नॉट रियली हेल्प, हमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, बिकॉज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आप दो टुकड़ों में देख लीजिएगा वीडियो, एक बार में थक जाए तो कोई बात नहीं, मैं एक ही बार में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर सबसे पहली न्यूज आ रही है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पेमेंट सर्विसेज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने नई पेमेंट सर्विस लॉन्च की है, 123 पे, 123 पे ऐसे याद रखिएगा। और न्यू यूपीआई पेमेंट गेटवे है, 40 करोड़ लोगों को बेनिफिट करने जैसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। उसी के साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च की है डिजिटल पेमेंट के लिए, डिजी साथी। अगर आपको डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डिजी साथी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो हेल्पलाइन है ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सेटअप की है, ताकि जो कॉलर्स हैं उनका अगर कोई भी क्वेरी होगी तो वो असिस्टेंस यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगली खबर पे। NSO दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2021-2022 एट 8.9%। NSO ने 8.9% एस्टिमेट लगाया है कि GDP ग्रोथ जो होगी इंडिया की 2021 में वो इतनी होगी। इन्होंने ये सेकेंड एडवांस एस्टिमेट दिया है, पहला एडवांस एस्टिमेट में 9.2% GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट की गई थी। अब वो जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उसका हर जगह की ग्रोथ रेट के ऊपर असर देखने को मिला है नेगेटिवली, उसी का एक इम्पैक्ट ये हो सकता है। अगली न्यूज़ है, HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड विमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। सो लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव HDFC ने लॉन्च किया है, नंबर वन। इसमें फीमेल फाइनेंशियल एडवाइजर्स होंगे, फीमेल्स को ही एडवाइस करेंगे कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल कर सकते हैं, और उसी से रिलेटेड ये बात है, बस फीमेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट गाइड करेंगे क्वेरीज ऑफ विमेन इन्वेस्टर्स। चलिए, Which bank has rolled out the House Work is Work initiative to bring educated women to workforce? Axis Bank, important है। So Axis Bank ने एक initiative start किया, House Work is Work। जो ऐसी females होती हैं जो पहले corporate में काम करती थी पर शादी की वजह से, babies की वजह से, किसी भी वजह से उन्होंने work discontinue कर दिया, घर पे रह गई हैं, break आ गया, तो female के लिए एक ये hindrance होता था कि break आ गया अब हम वापस काम पे कैसे लगे, right? हमारे CV के अंदर एक mark हो जाएगा। तो अब ये इनिशिएटिव है एक्सिस बैंक का कि भाई ढंग के एम्प्लॉयज ही नहीं मिल रहे हैं, हमें तो चाहिए, आपने ब्रेक लिया कोई बात नहीं, हाउस वर्क भी वर्क है, इफ यू थिंक यू आर केपेबल कम। अगर आपने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया तो भी आप आइए, वी वुड लाइक टू हैव अ डाइवर्स वर्क फोर्स, और उसके चलते ये इनिशिएटिव दिया गया है। ठीक है, मैंने सारा समझा दिया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज RBI हैज रिसेंटली स्टॉप्ड पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स अंडर विच सेक्शन ऑफ RBI एक्ट। RBI एक्ट के तहत RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को रोक दिया है कि भाई आप नए कस्टमर्स मत जोड़िए। कौन से एक्ट के तहत रोका गया है? सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और क्यों रोका गया है कि पहले आप ऑडिट करवा लीजिए, IT ऑडिट फर्म को अपॉइंट कीजिए, ऑडिट करवाइए कि जो डेटा वेटा सारा होगा वो सेफ होगा नहीं होगा, आपका ऑडिट फिर हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे, और हम सेटिस्फाइड होंगे तो हम आपको ओके करेंगे, तब तक आप नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड
FDI foreign direct investment of up to what under the automatic route in Life Insurance Corporation of India, LIC of India में यूनियन कैबिनेट ने कितना FDI अप्रूव किया है ऑटोमेटिक रूट से? सीधे आ सकता है आंसर इज 20%. 20% ही FDI डायरेक्ट जो है रूट से आ सकता है. इससे पहले कोई लिमिट नहीं थी, कितना भी डायरेक्ट रूट से FDI आ सकता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट LIC में. अब 20% की कैपिंग लगा दी है, जो कि ये सेम जो सीलिंग है, कैपिंग है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी लागू होती है. ओके, 20% से ज़्यादा डायरेक्ट रूट से FDI नहीं आ सकता. लेकिन अगर आप बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को देखो तो उनमें अप टू 74% तक FDI डायरेक्ट रूट से अलाउड होती है. तो LIC के थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स किए गए हैं, ये देखने वाली बात है. लास्ट ईयर ये जो कैप है इंश्योरेंस कंपनीज की 49 से बढ़ा के 74 कर दी गई थी, लेकिन LIC की अभी भी 20% रखी गई है. फिर अगली खबर आती है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वन अप इंडियाज फर्स्ट प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म. इंडिया का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन अप, कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया है? IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसको पहले इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. और इस प्लेटफॉर्म से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स या IPO हो गए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, इन सब में इन्वेस्ट किया जा सकता है. ओके, अगली खबर, EPFO Employee Provident Fund Organization has lowered the interest rate on Provident Fund Deposit to what percentage for 21-22? पहली बार काफ़ी सारे दशकों में, आई थिंक सम फोर डेकेज इफ आई एम नॉट mistaken, आई नीड टू चेक. हाँ, फोर डेकेज में 77-78 में इतनी ज़्यादा दर गिरी थी EPFO की Provident Fund Deposit की, तो अब वापस ये दर गिर गई है और कितनी हो गई है 8.1%. सो EPFO के अंडर में जो प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयज़ का, वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, एम्प्लॉई कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, सरकार कुछ परसेंटेज मिलाती है, दैट इज़ द फंड, राइट. सो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, दर मिलेगी, वो 8.1% है, काफ़ी लो हो गई है. और 1977-78 में 8% की रेट थी, और अब चार डेकेड बाद ये 8.1 है, इससे पहले ये 8.5 थी, ठीक है. और अमूमन इतनी रहती है, इस बार काफ़ी ज़्यादा गिर गई है. चलिए, लॉन्ग टर्म यू नो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्कीम की तरह EPFO को यूज़ किया जाता है. एज डिफाइंड बाय RBI, अ माइक्रो फाइनेंस लोन इज अ कोलैटरल फ्री लोन गिवन टू हाउस होल्ड हैविंग एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ अप टू वॉट. यानी कि RBI के हिसाब से जो माइक्रो फाइनेंस लोन होता है वो कोलेट्रल फ्री, यानी कि आप बिना किसी सिक्योरिटी या किसी चीज़ के वो ले सकते हो, है ना. आपको कुछ क्या बोलते हैं हम, कुछ सिक्योरिटी या आप बोलते हैं ना कुछ पेपर इसके अगेंस्ट रखवा सकते हो, कुछ है ना, कुछ कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, उसको कोलेट्रल फ्री कहते हैं. तो कितनी हाउस होल्ड एनुअल इनकम होनी चाहिए घर की कि आपको कोलेट्रल फ्री माइक्रो फाइनेंस लोन मिले? अगर इससे ज़्यादा इनकम होगी तो कोलेट्रल फ्री आपको माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं मिलेगा. तो 3 लाख, 3 लाख से ऊपर आपकी अगर एनुअल हाउस होल्ड इनकम है तो कोलेट्रल लगेंगे आपके माइक्रो फाइनेंस लोन्स के ऊपर. अगला सवाल देख लीजिए, आरबीआई इनोवेशन, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय RBI गवर्नर रिसेंटली, एंड व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंड. सो इनॉग्रेट किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब. रिजर्व बैंक का इनोवेशन यहाँ पे होगा, सारा मेंटल टर्निंग की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, नए नए आइडियाज लेकर के आए जाएंगे. तो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? बेंगलुरु के अंदर, RBI बेंगलुरु में. और इनिशियल जो इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना लगा? 100 करोड़ का. और इसको शशिकांत दास जी ने, जो कि गवर्नर है RBI के, उन्होंने इनॉग्रेट किया. नेक्स्ट, SBI बैंक इज अनाउंस्ड टू इट्स प्लान टू सेट अप इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर. ऑलमोस्ट उसी लाइन पे है, इनोवेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी. कौन से सिटी के अंदर? हैदराबाद के अंदर. सो RBI का इज इन बेंगलुरु और SBI का इन हैदराबाद, ठीक है. नेक्स्ट, ICICI बैंक पार्टनर्ड विद IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स टू को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स. ICICI बैंक ने अपने स्पेशल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं जिनके ऊपर आपको चेन्नई सुपर किंग्स से रिलेटेड कुछ ग्राफिक्स दिखेंगे. सो ये जो कार्ड है ये स्पेशल एक्सक्लूसिव कार्ड होगा प्रिविलेजेस के साथ में, क्रिकेट फैंस जो होंगे वो ले सकते हैं. और इससे पहले 4 साल पहले भी ICICI बैंक ने एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड को उसके ऊपर डिस्प्ले किया हुआ था, ठीक है. बस इतनी सी बात है, ध्यान रख लीजिएगा. RBI गवर्नर शशिकांत दास इज रिसेंटली डेडिकेटेड एन इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. जो करेंसी नोट छपते हैं उसमें जो इंक यूज होती है, तो उस इंक को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक यूनिट वर्णिका कौन सी जगह पे स्टार्ट की जाएगी, डेडिकेट की गई है, यानी कि इसकी सौगात देश को दी है
इस तरह से न्यूज दी जाती है ना. सो मैसूर के अंदर वर्णिका एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की जाएगी. ठीक है जी, बस हाँ जी. सो विद दिस वी आर डन विद द मंथली करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022. ये वाला सेक्शन, एक पार्ट अभी और बचता है जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज, सारे इंडेसेस और रैंकिंग और स्पोर्ट्स न्यूज कवर करेंगे, वो कल आ जाएगा. सो 10th से आपके एग्जाम्स है, उससे पहले पूरा मंथली सीए लाइक आई हैड प्रॉमिस्ड आई विल बी फिनिशिंग अप. परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 चैनल लॉन्च हो चुका है, उस पर द हिंदू एनालिसिस चालू हो रखा है हर शाम को 7 बजे, सुकृति मैम दे रही हैं, डू नॉट मिस दैट. बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ हाउ शी इज कवरिंग इट एंड स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल. पर्टिकुलरली स्टेट पीएससी और यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो जरूर से देखें, बिकॉज जो चीज़ आपकी शिकायत रहती है कि मैम यहाँ पे डिटेल में एडिटोरियल वगैरह कवर नहीं होते, वो वहाँ पे कवर हो रहे हैं. ठीक है, और परचम क्लासेस डॉट इन से आप पीडीएफ ले सकते हैं, और पीडीएफ बैंक चाहिए तो परचम ऐप पे जाइए. और टाटा बाय बाय, बहुत लेट हो गया, अब मिलते हैं कल रिमेनिंग पार्ट ऑफ मंथली सीए के साथ. टाटा.